एक बात आइए देखिए, वो तो अगर आपको इसको बुलाते हैं आप जान सीजिए, आज आपको गवर्नमेंट ने बुलाती है, एडमिनिस्ट्रेशन बुलाती है। तभी लोग जानते हैं कि हम लोग महीने में दो बार आते हैं, हमें 12 साल हो चुके हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, पुरामन प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है गवर्नमेंट से कि वो हमारी मांगें पूरी करें, क्योंकि जब रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया था, हम पाकिस्तान से उसी पॉलिसी के तहत यहाँ पर आए, हमारे हस्बैंड हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। तो 12 साल हो गए लेकिन उस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पर कोई भी इन्होंने अमल दरामद नहीं किया, ना ही तो हमें सिटीज़नशिप यहाँ की दी, ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिया, ना ही कोई परमिट दिया है। और इसीलिए हमारी अब यही डिमांड है, गवर्नमेंट से यही हम डिमांड करने आए हैं, यही अपील करने आए हैं, यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि प्लीज़ आप हमारी इस रिक्वेस्ट को सुने, इस अपील को सुने, क्योंकि हमें हर रोज़ मतलब आए रोज़ हमें यहाँ आना पड़ता है बच्चों को लेकर। तो इसलिए हमारी यही डिमांड है कि गवर्नमेंट से कि हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, सिटीज़नशिप दें, अगर हमें एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर जो हमें वापस भेज दें, और जो लोग वापस जाना चाहते हैं उन्हें वापस भेज दें, जो यहाँ रहना चाहते हैं तो फिर उनका भी सोचें। मसला ये है कि हमारे पास कोई कागजात नहीं है, ना हमारे पास कोई प्रूफ है 12 साल से हम किस तरह रह रहे हैं। इसकी क्या यही बात है कि फलाने मिल्टन में वो मिल्टन था तो उसकी बीवी है, यही बात सुनने को मिलती है बस। ना हमारे बच्चे, ना हम कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, खुश दिली के साथ नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। बच्चों को कहते हैं घर में ही रहो, घर में रहो, अभी मिलेगा कागजात मिलेंगे, वो मिलेगा, कुछ नहीं मिला 12 साल से। सड़कों पर लाया, गवर्नमेंट ने मजबूर किया हमको, मजबूरी से हमें तो 400 लेडी आई भी नहीं, अब नेक्स्ट करेंगे पूरी 400 जो खातिन वो पूरी आएंगे, बच्चों समेत इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसी बात पे हमको मजबूर कर रही है। आराम से सुना होता तो 12 सालों में हमने कोई 1200 प्रोटेस्ट किया आराम से, सुना ही नहीं किसी ने।